सुप्रभात बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए विषय हिंदी के लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ। कक्षा तृतीय स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर फोर्थ और लेक्चर फोर। आज हम लेक्चर फोर में पार्ट चार जिसका नाम है दोस्ती, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम जब एक दूसरे का दुख बांटते हैं, सुख बांटते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं? दोस्ती। आप सभी को दोस्ती के बारे में तो पता होगा, आप सब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। तो आज मैं आपको दोस्ती की एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कक्षा तीन में है, पार्ट चार दोस्ती। ये जो कहानी है ये दो एनिमल्स के बीच की दोस्ती की कहानी है, दो प्राणियों के बीच की दोस्ती की कहानी है। इस कहानी में एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल। उस जंगल में रहते हैं दो दोस्त, एक है मोर और दूसरा बारह सिंह। मोर और बारह सिंह में गहरी दोस्ती थी, वो हमेशा एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और मजे से जंगल में रहते थे। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था, एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। अब उनकी दोस्ती की कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब हमें देखना है क्या होता है। तो एक दिन क्या हुआ, मोर रो रहा था। एक दिन मोर रो रहा था, उसे देखकर बारह सिंह ने उससे पूछ लिया कि भाई क्यों, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम रोने लगे। तो मोर ने कहा, जब आज मैं नाच रहा था, नृत्य करके थिरक रहा था, थिरकना यानी चंचलता के साथ पैरों को उठाते गिराते एवं हिलाते हुए नाचना, पैरों को उठाते गिराते एवं हिलाते हुए नाचना, नृत्य करना। तो मोर ने कहा कि एक दिन जब मैं नृत्य कर रहा था तब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे पंख तो कितने सुंदर हैं, मेरे पंख तो कितने सुंदर हैं, पर मेरे पैर, बस इतना ही बोला और चुप रहा, पर मेरे पैर। अब उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी तो बारह सिंह का बोल पड़ा, दोस्त आज जब मैंने अपने आप को तालाब में देखा, जब मैं पानी पीने के लिए गया तालाब में, मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए तालाब में गया तो मैंने क्या देखा कि मेरे सिंह कितने बदसूरत हैं, मेरे जो सिंह है वो कितने बदसूरत हैं। बारह सिंह जो है हिरण के जैसे दिखता है, पर उसके सिंह पे सिंह होते हैं, आगे टेढ़े सिंह होते हैं। तो उसने कहा कि मेरे सिंह बड़े बदसूरत है। अब बारह सिंह ने कहा, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। दोनों को दुख था, मोर को यह दुख था कि उसके पंख कितने सुंदर है पर उसके पैर अच्छे नहीं लगते, और बारह सिंह का था उसके पैर तो सुंदर है पर उसके बाद जो सिंह है बड़े ही बदसूरत है। अब बारह सिंह ने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे की मदद कर दें। तो बारह सिंह ने कहा कि कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पंख दे दो और उसके बदले में अपनी सुंदर पैर तुम्हें दे देता हूँ। बारह सिंह ने क्या सोचा कि कुछ दिनों के लिए तुम सुंदर पंख मुझे दे दो और मेरे पैर अपने पास ले लो। और फिर मोर ने अपने पैर बारह सिंह को दे दिए और बारह सिंह के सिंह अपने पास ले लिए। देखो, दोनों ने एक दूसरे में चीज़ों को बांटा है। जो मोर के पास था वो उसने बारह सिंह को दे दिया और जो बारह सिंह के पास था वो उसने मोर को दे दिया। मोर के पास सुंदर पंख थे और कमजोर पैर थे, बारह सिंह के पास सुंदर पैर थे और बदसूरत सिंह थे। बारह सिंह ने अपने सिंह मोर को दे दिए, मोर ने वो सिंह लेकर अपने सिर पे सजा दिया और बारह सिंह ने मोर के सुंदर पंखों को अपने सिर पे सजा लिया। इसके बाद मोर ने बारह सिंह के पैर ले लिए
अचानक से वहां पे एक भूखी लोमड़ी आ गई। लोमड़ी को तो आपको तो पता है लोमड़ी बड़े होशियार होते हैं। अब उसने देखा कि मोर नृत्य कर रहा है, चलाने लगा रहा है। उसने आओ देखा मतलब भूखे वजह से सीधा जाकर मोर पे धावा कर दिया। उसने मोर पे हल्ला कर दिया, मोर को शिकार उनका करने के लिए उसने मोर पे हल्ला कर दिया। मोर अचानक से घबरा गया और मोर भूखी लोमड़ी से बचने के लिए उड़ने की कोशिश करने लगा। देखो क्या होता है, जब मोर खुशी में नाच रहा था कि वहां पे एक भूखी लोमड़ी आ गई और उसने क्या किया कि मोर को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। तभी मोर डर गया और भूखी लोमड़ी से बचने के लिए उसने उड़ने की कोशिश की पर बेकार। अब मोर के पास उसके पंख नहीं थे क्योंकि उसने अपने पंख किसको दिए, बारह। अब मोर उड़ नहीं पा रहा था। तभी बारहसिंगा वहां पे आ गया। उसने मोर की जान बचाने के लिए सीधा अपने सिंगों की मदद से उसने लोमड़ी पर शिकार करना चाहा पर बेकार, क्योंकि अब बारहसिंगा के सिंह पे जो सिंह थे वो नहीं थे, वो सिंह तो उसने मोर को दे दिए थे। अब सिंह की जगह क्या था, पंख थे। तो वो भी मोर की जान बचाने में नाकामयाब रहा पर दोनों ने मिलकर एकजुट होकर जब लोमड़ी का सामना किया तो लोमड़ी डर गई क्योंकि उसने अजीब रूप देख लिया था। मोर के जो पंख थे बारहसिंगा के माथे पर थे और बारहसिंगा के सिंह थे वो मोर के माथे पर थे। मोर के पैर थे वो बारहसिंगा के पास थे और बारहसिंगा के पैर मोर के पास। दोनों का अजीब रूप देखकर लोमड़ी सहम गई। सहमना मतलब डरना, वैसे डरना, सहमना मतलब डरना। और एक तुम्हारा ने इस बारे में देखा, आओ देखा ना मतलब बिना सोचे समझे, इसी तरह का कोई भी विचार न किए बिना शिकार कर देना। उन्होंने ने बिना सोचे समझे ना देखा ना मोर में शिकार कर दिया था उनका। तभी दोनों ने बचने की कोशिश की, दोनों ने दूसरों की मदद करने की कोशिश की। दोनों का आज एक रूप देख कर लोमड़ी जो है वो सह गई और वहां से भाग खड़ी गई, मतलब वहां से तेजी से दौड़कर चली गई और दोनों की जान बच गई। आज दोनों की जान तो बच गई पर दोनों को एक बात अच्छे से समझ में आई, क्या कि प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए। क्या समझ में आया उनकी बात कि निसर्ग ने प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसे ही रहना चाहिए, वही रूप हमारे लिए सबसे अच्छा है। अब इस पाठ का मतलब यह है, इस पाठ से हमें नैतिक उद्देश्य नैतिक संदेश क्या मिलता है कि निसर्ग ने हमें जैसे बनाया है हमें वैसे ही रहना चाहिए, उसमें कभी बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कि भगवान ने मोर को हर शिकार से बचने के लिए उड़ने के लिए पंख दिए थे और बारहसिंगा को अपनी जान बचाने के लिए सिंह दिए थे, पर मोर को शिकायत थी कि उसके पैर सुंदर नहीं है और बारहसिंगा को शिकायत थी उसके सिंह सुंदर नहीं है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को अपनी चीजें दे दी और एक अपना नया स्वरूप बनाने की कोशिश की। पर अचानक से जब उनकी जिंदगी में संकट आया, उनकी लोमड़ी आ गई, तब दोनों अपनी जान बचाने में नाकामयाब रहे क्योंकि प्रकृति ने उन्हें जैसे बनाया था वो उनको पसंद नहीं था, उनमें उन्होंने बदलाव कर दिया था, इसीलिए उनकी जान खतरे में पड़ गई। और जब दोनों की जान आखिरकार बच जाती है तो उनकी क्या बात समझ में आती है कि प्रकृति ने हमें जैसे बनाया है हमें वैसे ही रहना है, वही रूप हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो पाठ चार दोस्ती, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि सब ने हमें जैसे बनाया है वही रूप हमारे लिए अच्छा है, ईश्वर ने कुछ सोच समझ के ही हमें इसे बनाया होता है।
आज तृतीय कक्षा विषय हिंदी लेक्चर 4 पाठ 4 दोस्ती आपको अच्छे से समझ में आया नहीं होगी, आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेगा और इस पाठ में आए हुए शब्द लांछित चला थिरकना इसका मतलब है चंचलता के साथ पैरों को उठाना एवं गिराना और हिलाना इसके साथ नाचना। सहम का मतलब है डरना भय और एक मुहावरा है आओ देखा न ताओ इसका मतलब है बिना सोचे समझे। इसको एक बार पढ़िए, आशा करती हूँ पाठ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।